अगर आप नौकरी से तंग आकर जानना चाहते हैं कि 2024 में नया बिजनेस कौन सा करें, तो हम आपके लिए कुछ नए बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जिन्हें आपकी स्किल और इन्वेस्टमेंट के अनुसार शुरू करके लाखों की इनकम कर सकते हैं। इन दिनों बड़ी संख्या में लोग खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं और अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। हमारे देश की सरकार भी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए लोगों को जागरूक और बिजनेस लोन देकर मदद कर रही है। आज के दौर में कई प्रकार के बिजनेसमैन देखने को मिलेंगे जिनमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और इनकम भी। वैसे आज हम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला बिजनेस भी बहुत है, बस उन्हें करने के लिए सही स्ट्रेटजी और स्किल की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर आप कोई अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें बम्पर कमाई हो, लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा बिजनेस शुरू करें, तो ऐसे में आज हम आपको शानदार नया बिजनेस आइडिया दे रहे हैं। ये बिजनेस है जिनसे एक बेहतर योजना के साथ शुरू कर कर बम्पर कमाई कर सकते हैं। तो अगर आप नौकरी के अलावा नया बिजनेस करके कमाई करना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ नया बिजनेस आइडिया की लिस्ट दे रहे हैं जिसमें आप कंप्यूटर व मोबाइल रिपेयरिंग, ईवी चार्जिंग बिजनेस मतलब कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और ईवी रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिपेयरिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बेकरी बिजनेस, फास्ट फूड बिजनेस, होम कैंटिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे तमाम बिजनेस कर सकते हैं। इन सभी बिजनेस को शुरू करने के लिए ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है और मोटी कमाई कर सकते हैं। ये ऐसे बिजनेस है जिनमें घाटा लगने के चांस बहुत कम है। ये सभी 12 महीने वाला बिजनेस है, यानी इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। इनसे कुछ फ्यूचर बिजनेस आइडिया हैं जिनकी डिमांड फ्यूचर में काफ़ी बढ़ने वाला है। आइए अब विस्तार से जानते हैं सभी नए बिजनेस आइडिया के बारे में। तो हेलो गाइस, माय नेम इज रोहित कुमार एंड यू आर वाचिंग रोहित ऑफिशियल 01 चैनल को। तो अगर गाइस आप फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो आइए हम एक नंबर पे बात करते हैं वो कौन सा बिजनेस है। तो गाइस फर्स्ट नंबर पे है मोबाइल व लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयरिंग का बिजनेस। आज के दौर में मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर हर घर, दफ्तर, स्कूल और दुकान में देखने को मिलता है, क्योंकि आज बहुत से काम ऑनलाइन होने लगे हैं। ऐसे में मोबाइल व लैपटॉप कंप्यूटर की डिमांड भी बढ़ गई है। जितनी इनकी डिमांड है उतनी ही इनकी रिपेयरिंग के क्षेत्र में डिमांड है। आज मोबाइल व लैपटॉप घर की ज़रूरत बन गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक सामान है, समय के साथ ख़राब भी होते रहते हैं। ऐसे में आप लैपटॉप और मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि ये बिजनेस पुराना है, लेकिन डिमांड के अनुसार नया बिजनेस आइडिया भी है। एक अच्छा लैपटॉप और मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला आज काफ़ी मुश्किल से मिलता है। मोबाइल व लैपटॉप रिपेयरिंग हाथ का हुनर है। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले कोई अच्छा कोर्स कर लेना चाहिए। आजकल कई इंस्टीट्यूट व ऑनलाइन कोर्स है जो मोबाइल व लैपटॉप रिपेयरिंग का काम सिखाते हैं। बात करें इस बिजनेस की लागत की, तो इस बिजनेस को मात्र 50,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको मार्केट में अच्छी जगह पर एक किराए की दुकान और कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी जो एक इन्वेस्टमेंट में काम हो जाएगा। लैपटॉप और मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर खोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ख़राब उपकरण ठीक करने ही देने हैं। इसलिए आपको बस कुछ ज़रूरी हार्डवेयर ही अपने पास रखने होंगे। बड़े और महंगे हार्डवेयर जैसे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव और साउंड कार्ड जैसी चीज़ों को आसानी से फ़ौरन मंगा सकते हैं। मोबाइल व लैपटॉप में ज़्यादातर यह चीज़ें खराब होती है जिन्हें आप आसानी से मंगवा सकते हैं। आजकल मोबाइल व लैपटॉप रिपेयरिंग की फ़ी काफ़ी ज़्यादा रहती है। एक प्रोफेशनल इंजीनियर अपने काम का काफ़ी ज़्यादा फ़ी लेता है। ऐसे में आप उनसे थोड़ा कम लेकर और अच्छा काम करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी कंपनी के साथ भी टाइप कर सकते हैं। मोबाइल व लैपटॉप रिपेयरिंग बिजनेस से 30 से 50 हज़ार तक हर महीने घर बैठे कमाई कर सकते हैं, बस आपको अपने काम को अच्छे से कर देना है। अब सेकंड नंबर पे जानते हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस। ईवी मतलब जो आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नए पे आ रहे हैं, तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि नया बिजनेस कौन सा करें,
तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है। आज भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेज़ी से बढ़ रही है और इसे ईवी चार्जिंग स्टेशनों की मांग बढ़ रही है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक मजबूत बिजनेस योजना बनानी होगी। आपको अपने क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या पता करना है और सही जगह पर अपना ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलना है। यदि आप प्रति मिनट 1 रुपये के चार्जिंग शुल्क लेते हैं और आपका स्टेशन प्रतिदिन में 100 कारों को चार्ज करता है तो आप दिन में 1,000 रुपये कमा सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने स्टेशन पर विज्ञापन बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप प्रति माह 10,000 रुपये के विज्ञापन शुल्क लेते हैं तो आप प्रति माह 10,000 रुपये कमा सकते हैं। कुल मिलाकर ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस एक बम्पर कमाई करने वाला बिजनेस हो सकता है। थर्ड नंबर पे ईवी रिपेयरिंग का बिजनेस। इलेक्ट्रिक वाहन रिपेयरिंग बिजनेस एक बढ़ता हुआ व्यवसाय है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता बढ़ रही है। ईवी रिपेयर्स इलेक्ट्रिक वाहनों के रख रखाव और रिपेयरिंग से संबंधित सेवाओं के लिए एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिसमें बैटरी, इंजन, चार्जर व अन्य घटकों की मरम्मत या प्रतिस्थापना शामिल है। ईवी रिपेयरिंग बिजनेस शुरू करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले, यह एक बढ़ता हुआ बिजनेस है जिसका अर्थ है कि आपके पास अच्छा ग्राहक बनाने का एक शानदार मौका है। दूसरा, ईवी रिपेयरिंग एक तकनीक कौशल है जिसका मतलब है कि आपके पास ज़्यादा मजदूरी हो सकती है। तीसरा, ईवी रिपेयरिंग एक बिजनेस है जिसे आप घर से या किसी स्टोर से शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन रिपेयरिंग बिजनेस से लागत कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें आपके पास मौजूद उपकरण और उपकरण आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा, कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र मजदूर दर शामिल है। आमतौर पर एक छोटी ईवी रिपेयरिंग शॉप खोलने की लागत 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये हो सकती है। ईवी रिपेयरिंग शॉप आमतौर पर कार चार्ज के आधार पर चार्ज करती है। कार्य चार्ज आमतौर प्रति घंटे या प्रति कार के आधार पर होता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप प्रति घंटे 100 रुपये का चार्ज लेते हैं और आप प्रतिदिन में 10 घंटे काम करते हैं तो आप प्रतिदिन 1,000 रुपये कमा सकते हैं। इसके अलावा सामान बेचकर और अपने स्टोर में ईवी के विज्ञापन लगाकर भी एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। मतलब आप कुल मिलाकर हर महीने 50 रुपये से 2 लाख रुपये ईजिली कमा सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्पर ग्लास बनाने का बिजनेस। आजकल हर कोई मोबाइल खरीदता है और मोबाइल के स्क्रीन को स्क्रैच से बचाने के लिए टेम्पर ग्लास भी लगवाते हैं। ऐसे में कम लागत में टेम्पर ग्लास बनाने का बिजनेस कर सकते हैं। मार्केट में नए नए मोबाइल लॉन्च होते रहते हैं, जिससे इस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल सकती है। टेम्पर ग्लास का बिजनेस शुरू करने के लिए आप सामान जैसे एंटी शॉक स्क्रीन प्रोटेक्टर, फिल्म, ऑटोमेटिक टेम्पर ग्लास मेकिंग मशीन और पैकिंग मटेरियल खरीदना होगा। इस बिजनेस को घर से ही शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एंटी शॉक स्क्रीन प्रोटेक्टर, फिल्म और पैकिंग मटेरियल खरीदना होगा। इसके अलावा आपको एक ऑटोमेटिक टेम्पर ग्लास मेकिंग मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। यह मशीन लगभग 60 से 1 लाख रुपये तक की कीमत में आती है, जिसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। बात करें टेम्पर ग्लास के बिजनेस में लागत की, तो कुल मिलाकर इसमें 1 लाख से 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। अगर बात करें इस बिजनेस से कमाई की, तो एक टेम्पर ग्लास बनाने में 10-15 रुपये की लागत आती है। एक अच्छे टेम्पर ग्लास की कीमत मार्केट में 100 से 200 रुपये तक होती है। कुल मिलाकर आपको एक टेम्पर ग्लास से 50 से 80 रुपये तक की कमाई हो जाएगी। आप चाहे तो डायरेक्ट भी बेच सकते हैं या किसी मोबाइल शॉप से टाइप कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट है, वो है मोबाइल फूड वैन बिजनेस। आजकल की पीढ़ी घर के खाने के बजाय सबसे अधिक बाहर का खाना पसंद करते हैं। अगर आपको अच्छा खाना बनाने आता है तो मोबाइल फूड वैन बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप अपने बजट के मुताबिक शुरू कर बम्पर कमाई कर सकते हैं। फूड के बिजनेस को आप छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर भी आसानी से शुरू कर सकते हैं। यह एक नए ज़माने का बिजनेस है जिसमें आपको अधिक कुछ नहीं करना होता। बस इसमें आप अपने घर में तैयार किए हुए खाने को किसी भी भीड़ भाड़ वाले स्थान में लेकर जाना होता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लागत की बात करें तो इस बिजनेस में 30,000 से 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद कमाई होने से तो इसे बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं।
यह एक चलता फिरता बिजनेस है जिसमें आप एक जगह फिक्स नहीं रह सकते। अगर आपको इसी जगह मिल जाए जहां भीड़ भाड़ रहती है तो आप वहां अपनी मोबाइल फूड वैन को मिक्स कर सकते हैं। अब बात करें इस बिजनेस की कमाई की, तो आप इस बिजनेस से 30,000 रुपये से 50,000 रुपये हर महीने कमा सकते हैं। बस आपको अपने खाने की क्वालिटी अच्छी देनी होगी। तो बस ये कुछ बात रही, कुछ पॉइंट रही जो मैंने बताया कि 2024 में बहुत ज़्यादा डिमांड देने वाली है। तो गाइस अगर आप ये सब बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अभी से उसके बारे में सोच सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय एंड वंदे मातरम।